किया ई ग्राम विश्व ग्राम। हिंदुस्तान में गुजरात एकमात्र राज्य ऐसा है कि जिसके हर गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, जो सुविधा शहर के लोगों को है, इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, सारी सुविधाएं आज हमने गांव की दी। आज गुजरात का गांव अमेरिका में बैठे हुए अपने परिवारजनों से स्काइप पे बात करता है, पूरे परिवार के अवसरों को दिखाता है। यहां शादी है, रिश्तेदार अगर अमेरिका से रह नहीं आए तो ऑनलाइन वो शादी का समारोह में वहां से उनको शरीक कर देता है। ये गांव के जीवन में बदलाव आया, टेक्नोलॉजी का लाभ उसको भी मिला, उसका परिवर्तन आया। मैंने ऐसे गांव देखे हैं कि जहां के स्मशान में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और वहां पर ऑनलाइन वीडियो कैमरा लगे हैं और गांव के किसी रिश्तेदार का वहां अग्नि संस्कार हो रहा है और अमेरिका से उसका परिवार नहीं आ सका तो उस अग्नि संस्कार के अंदर वो अपने गांव से शरीक होता है। इस प्रकार से उनके मन में भी टेक्नोलॉजी की ओर जाने की इच्छा जगी है। हमने ग्रामीण विकास को करना है तो आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी उनको उपलब्ध करानी चाहिए, आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी। वो ज्यादा खर्चीला मामला नहीं है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा हम उपलब्ध कराएंगे गांव टूटना बंद हो जाएंगे, गांव के जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा, उसके मन में जो उसकी सोच जो बदली है उस सोच के अनुसार गांव भी बदलेगा और हम उसको पूरक बन। और इसलिए हमने ई ग्राम विश्व ग्राम की योजना बनाई। ये टेक्नोलॉजी सेटअप होने के बाद बच्चों की शिक्षा के लिए हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन का उपयोग करने लगे। अगर गांव में टीचर अच्छा नहीं है तो हम गांधीनगर से सैटेलाइट के माध्यम से उस क्लास के अंदर